नॉनस्टॉप 100। हमसफर ट्रेन के सारे डिब्बे थर्ड एसी के होंगे। तेजस हाई स्पीड ट्रेन की 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार। उदय एक्सप्रेस डबल डेकर ट्रेन होगी। गरीब यात्रियों को अंत्योदय एक्सप्रेस का खास तोहफा दिया गया। पूरी तरह से एसी ट्रेन होगी अंत्योदय। पहले 12 घंटे के लिए तय होती थी बुकिंग। मुंबई के मेट्रो रेलवे स्टेशन से जोड़े जाएंगे। मुंबई में प्लेटफॉर्म की भी बढ़ाई जाएगी ऊंचाई। हादसों से बचने के मद्देनजर लिया गया फैसला। रेलवे के कुलियों को मिला सम्मान। अब सहायक बुलाए जाएंगे कुली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट को काफी सराहा दी बधाई। कहा जनता की सुविधाओं के साथ रेलवे के विकास का रखा गया है बजट में ख्याल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी रेल बजट की सराहना की। कहा लगातार दूसरे साल किराया न बढ़ाकर जनता को दी गई है राहत। पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान की भी सराहना की। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा लालू और नीतीश के बिहार को महज सपना दिखाया था, सुरेश प्रभु ने हकीकत में काम किया है। पुणे की यरवदा जेल से रिहा हुए अभिनेता संजय दत्त अवैध हथियार के केस में काटी है 34 महीनों की सजा। संजय दत्त ने रिहाई के वक्त धरती को किया प्रणाम। जेल में लगे राष्ट्रीय ध्वज को किया सलाम। अपना बैग उठाकर नीली शर्ट में माथे पर लाल टीका लगाया संजय दत्त जेल से बाहर निकले। चेहरे पर बनी थी मुस्कान। यरवदा जेल से पुणे एयरपोर्ट पहुंचे संजय दत्त। कहा रिहाई पर परिजनों और प्रशंसकों को धन्यवाद भी दिया। संजय दत्त की जेल से रिहाई के वक्त यरवदा जेल के बाहर मौजूद थे निर्देशक राजकुमार हीरानी। संजय दत्त पर बना रहे हैं बायोपिक। जेल से आजाद होकर मुंबई में घर पहुंचे संजय दत्त ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीछे खड़ी रही पत्नी मान्यता, बच्चों का साथ पाकर डबडबा गई आंखें। बेटे शहरान और बेटी इकरा के साथ संजय दत्त ने देर तक किया दुलार। रो रही मान्यता को भी दुलारा। संजय दत्त ने कहा मुझे महसूस करने में वक्त लगेगा कि मैं आजाद हो चुका हूं। मुझे लगता है अभी पैरोल पर ही छूटा हूं। वो जो फीलिंग है वो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रजे पे आया हूं, कोई फरलो पे या पैरोल पे। संजय दत्त ने कहा आजादी के एहसास के साथ इस मौके पर मुझे पिता सुनील दत्त शिद्दत से याद आ रहे हैं। संजय दत्त ने कहा खुशी का एहसास ऐसा है कि 4 दिनों से नहीं खाया खाना, कल से सोया भी नहीं हूं। जेल में कमाए 440 रुपयों का संजय दत्त ने किया जिक्र। बोले वो मेरे लिए बहुत अहम, मेहनत की गाढ़ी कमाई मान्यता को दी। संजय दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आतंकी होने के आरोप से टाडा कोर्ट से बरी हुआ हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आरोप को खारिज किया है। मुझे 93 बॉम्ब ब्लास्ट से न जोड़ें। ऑनरेबल जज कोडे साहब ने जो कहा था कि तुम ये सुनना चाहते हो कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, तो ये कोर्ट कहती है कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, उससे बड़ी चीज मेरे लिए नहीं थी। संजय दत्त बोले सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा तुम सुनना चाहते थे मैं आतंकवादी नहीं और तुम आतंकवादी नहीं हो। सलमान खान को संजय दत्त ने अपना छोटा भाई बताया। कहा मेरी दुआ वो और भी बड़े स्टार बने। संजय दत्त की सुरक्षा के लिए उनके दोस्त सलमान खान ने भी भेजे अपने 4 बॉडीगार्ड। घर पहुंचने पर गाड़ी से उतरकर कुछ दूर मीडिया और प्रशंसकों के साथ रहे संजय दत्त। संजय की तस्वीर के साथ वेलकम होम लिखकर किया गया स्वागत। मुंबई में संजय दत्त को माला पहनाने की मची होड़, उमड़े प्रशंसक। भाई संजय दत्त की रिहाई पर बोली प्रिया दत्त 23 साल बाद परिवार को मिला सुकून का पल। मुंबई पहुंचकर संजय दत्त ने किए सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन, टेका मत्था।
मां नरगिस की खबर पर भी गए संजय दत्त, बोले मां को अपनी आजादी का कराया एहसास। येरवडा जेल में संजय दत्त रेडियो जॉकी की निभाते थे भूमिका, कल आखिरी शो रिकॉर्ड करते वक्त हुए काफी भावुक। जेल में बेहतर आचरण के लिए संजय दत्त को सजा में मिली है थोड़ी राहत, सजा के करीब 108 दिन पहले हुई है रिहाई। रिहाई के वक्त संजय दत्त के हेयर स्टाइल में भी दिखी तब्दीली, बालों में पीछे नजर गोल्डन पॉलीटेल। संजय दत्त की रिहाई पर अभिनेता ऋषि कपूर ने किया ट्वीट, वेलकम बैक, अब कुछ यादगार फिल्में हो जाएं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, संजय दत्त ने गुनाह की पूरी सजा भोग ली, अब ये बहस का मुद्दा नहीं, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दें। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा मुझे और मेरी पार्टी पर झूठे आरोप लगा रही है सरकार। राज्यसभा में उठा आज तक के स्टिंग पटियाला हाउस का मुद्दा, दिग्विजय सिंह ने किया जिक्र। अल्पसंख्यक मामलों के एडिशनल सचिव का बड़ा बयान, मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के सामने कहा मौजूदा हालात ऐसे हैं कि शांति से नींद नहीं आती। 5 दिनों के पंजाब दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने अकाली दल और बीजेपी पर किया वार, बादल सरकार पर केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा ड्रग्स की दलदल में पंजाब को धकेला। सूत्रों के अनुसार देशद्रोह के आरोपी उमर खालूद ने देश विरोध में नारे लगाने वालों की पहचान की, जल्द पुलिस करेगी पूछताछ। अदालत से पुलिस को मिला झटका, उमर खालिद अनिर्बान भट्टाचार्य की वॉइस सैंपल की अर्जी खारिज। सूरज पंचोली को मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिया खान केस में ट्रायल पर रोक लगाई। बिहार में महागठबंधन की सरकार का पहला बजट सत्र आज से शुरू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी आज से बजट सत्र का हुआ आगाज। वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर नासिक में 2 दिन तक चलने वाले साहित्य उत्सव की शुरुआत। लिफ्ट का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अहम समझौता, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए विज्ञान के इस्तेमाल पर मिलकर करेंगे दोनों देश काम। भारत और बांग्लादेश ने मिलकर बनाई ज्वाइंट टास्क फोर्स, जाली करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे दोनों देश। पटना में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बस का उद्घाटन करते वक्त नीतीश कुमार को साथी से उधार लेने पड़े 5 रुपए, बस की महिला कंडक्टर ने टिकट के लिए मुख्यमंत्री से मांगे पैसे। पटना में कार्यक्रम के दौरान शहर के मेयर अफजल इमाम को मुख्यमंत्री ने लगाई फटकार, कहा शहर में इतनी गंदगी देखकर शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं मैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर निशाना, कहा मुस्लिमों को शक से देखा जाता रहा तो कश्मीर पर अधिकार खो देगा भारत। पंजाब के लुधियाना में दिल दहला देने वाली वारदात, नाबालिग से पहले किया रेप, विरोध करने पर बच्ची को जिंदा जलाया और फरार हो गए। हफ्ते भर से 12 साल की नाबालिग को आरोपी बना रहा था हवस का शिकार, जलाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत नाजुक। दिल्ली से सटे नोएडा में कारोबारी पर बीच सड़क फायरिंग, गाड़ी पर फायरिंग कर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। पीड़ित कारोबारी के अनुसार रंगदारी मांगने के लिए सलीम नाम के बदमाश ने किया था फोन। मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता सूर्य यादव पर मारपीट का आरोप, पीड़ित राहुल के घर पहुंचकर किया गुंडागर्दी। यूपी के बांदा में दिव्यांग स्कूली बच्चों पर शिक्षा विभाग की बेरहमी, खेलकूद प्रतियोगिता के लिए बच्चों से कराई गई कुर्सियां और बाकी सामान की ढुलाई। यूपी के बदायूं में 2 सिपाहियों की हत्या के मामले में 5 गिरफ्तार। राजस्थान के संचौर में नगर निगम की पार्षद दिव्या पिछले 4 दिनों से लापता। 21 फरवरी से गायब पार्षद दिव्या के पिता ने पुलिस पर लगाया ढिलाई बरतने का आरोप। बिहार में नकल पर सख्त हुई सरकार, इंटर की परीक्षा में गया में 34 छात्रों को किया गया निष्कासित। मुंबई में डॉकयार्ड रेलवे स्टेशन की दीवार का हिस्सा ढहा, 2 की मौत। राजस्थान के दौसा में पेड़ से लटककर युवक ने की आत्महत्या। बिहार के समस्तीपुर में स्कूल कैंपस में संदिग्ध स्थिति में छात्रा की मौत, पहली क्लास में पढ़ती थी छात्रा, स्कूल ने कहा था कि गिरने से हुई मौत। यूपी के मथुरा में ट्रांसपोर्टर ने जहर खाकर की आत्महत्या, लेन देन की वजह से आत्महत्या का जिक्र। उत्तराखंड के हल्द्वानी में चल रहे WWE के भारतीय वर्षन में ग्रेट खली बुरी तरह से घायल, खली के सिर छाती और आंख पर आई है गंभीर चोट। खली कनाडा के रेसलर ब्रूडी की चुनौती स्वीकार कर रिंग में उतरे थे,
रूडी पर भारी पड़ रहे थे तभी दो विदेशी रेसलर्स उन पर टूट पड़े। विदेशी रेसलर्स ने खली पर चेयर से किया वार। एशिया कप में आज दूसरा मुकाबला श्रीलंका और यूएई के बीच शाम 7 बजे से होगा मैच। पेरू के लीमा में 22 साल की युवती के पेट से निकाला गया 16 किलो का ट्यूमर। चीन की स्मार्टफोन कंपनी शियोमी ने बीजिंग में MI5 फोन किया लॉन्च। न्यूयॉर्क में फेसबुक ने 7 नए इमोशन सोशल साइट्स पर किए लॉन्च। ऑस्कर अवार्ड्स की उल्टी गिनती शुरू, लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में बिछा रेड कार्पेट। काबुल में गिरफ्तार किए गए ISIS के आतंकवादियों का बड़ा खुलासा, का पाक सेना ट्रेनिंग और हथियारों का करती है इंतजाम। देशद्रोह मामले के आरोपी JNU के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट पूरे मामले में 29 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। आज दिल्ली पुलिस ने